गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 422 पर आ जाइए UPPCS के लिए। आज डेट हो गई है 10 मई 2021। अभी टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले जो हमने दो टेस्ट देखे वो एंशिएंट हिस्ट्री का था, उसके बाद इंडियन पॉलिटी है करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जून में या मई में? 3 मई को मनाया जाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ठीक है। 3 मई को मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडहॉक घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस तरह के प्रश्न न्यूज़ में रहते हैं, जैसे विंडहॉक घोषणा हो गया, ठीक है, अश्वागत घोषणा हो गया, ग्वादर पोर्ट, ठीक है, अनामया पहल, किससे रिलेटेड है? सीधे सीधे पूछ लेता है। शरणार्थियों से नहीं है ये, जलवायु परिवर्तन से भी नहीं है। यह है मुक्त स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो विंडहॉक घोषणा का संबंध है मुक्त स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से, ठीक है। ये जो घोषणा है वो 1991 की है और यूनेस्को ने अपनाई थी, ठीक है, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगातार एक ही पायदान पर अटका पड़ा है भारत 2021 में भी, इस बार मतलब, और 2020 में भी 142वें स्थान पर, ठीक है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वें स्थान मिला है, ठीक है। यह जो सूचकांक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का एक गैर लाभकारी संगठन है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो लगातार पाँच वर्षों से नॉर्वे जो है सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है, और दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, और तीसरे स्थान पर आता है इसमें डेनमार्क। तो दो तीन चीज़ें इससे जुड़ी, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में और 21 में भारत का कौन सा स्थान? दोनों साल 142वां स्थान। ये सूचकांक कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इस सूचकांक में लगातार पाँच वर्षों से नॉर्वे प्रथम स्थान पर, फिनलैंड दूसरा और डेनमार्क का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, स्विस ओपन 2021 पुरुष वर्ग में निम्नलिखित में से किसने खिताब जीता है? स्विस ओपन तो स्विट्जरलैंड में हुआ होगा, ठीक है किससे? टेनिस है, बैडमिंटन से। तो पुरुष वर्ग में खिताब जीता है इसमें विक्टर एक्सेलसेन ने, ठीक है, विक्टर एक्सेलसेन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, स्विट्जरलैंड के बासेल में 2 से 7 मार्च के बीच संपन्न स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, ठीक है। पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन और महिला वर्ग में कैरोलिना मारिन ने खिताब जीता है। इसमें जो है भारत की पीवी सिंधु महिलाओं की एकल स्पर्धा में फाइनल में ओलंपिक चैंपियन ये जो कैरोलिना मारिन है ना, इससे हार गई, ठीक है, और उप विजेता रही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने के सत्र 2020-21 के विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 20 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच या दौरान किया। और दूसरा स्टेटमेंट है, मुंबई की टीम ने चौथी बार ये टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीती है? तो करेक्ट है, मुंबई ने जीती है। किसको हरा दिया इसने? उत्तर प्रदेश को।
ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और चौथी बार जीती है ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका फाइनल मुकाबला जो है उत्तर प्रदेश और मुंबई की टीमों के बीच हुआ, इसमें मुंबई को जीत हासिल हुई। ठीक है, और ये मैच हुआ था अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मुंबई ने जीता, उत्तर प्रदेश को हराया 6 विकेट से। और ये जो मुंबई टीम की कप्तानी की थी इसमें, वो कैप्टन थे पृथ्वी शाह। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? मुंबई ने जीती, यूपी को हराकर 6 विकेट से। किसकी कप्तानी में जीती? पृथ्वी शाह की। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें शामिल थी 2021 में? 15 से कहीं ज़्यादा थी, 38 टीमें शामिल थी। ठीक है, 38। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में 38 टीमें कुल जो है शामिल थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के कौन सा करेक्ट होगा। अगस्त्यमलाई पहाड़ी जो है ना, वो केरल के पश्चिमी घाट के नैयर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। ताम्रपर्णी नदी है एक, वो अगस्त्य पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में निकलती है, से निकलती है। यहाँ हाईलाइट क्या हो रही है? अगस्त्य पहाड़ी। ठीक है, अगस्त्य पहाड़ी केरल के पश्चिमी घाट के नैयर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर है, और एक ताम्रपर्णी नदी है इस अगस्त पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से निकलती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ठीक है, तो जो अगस्त पहाड़ी है या चोटी है, वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में बना रहता, पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न में पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एग्जैक्ट डेट के साथ पता होना चाहिए इन चीज़ों को। ठीक है, या इसका हेडक्वार्टर भी पूछ ले, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य, ये भी पूछ ले। तो ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, करेक्ट है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। भारत जो है, भारत एशियाई विकास बैंक यानी ADB का एक संस्थापक सदस्य है, मेंबर है, और इस बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, एक पुरस्कार है ग्रेमी पुरस्कार, किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, पर्यावरण, विज्ञान या आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से संबंधित। ग्रेमी अवार्ड पर्यावरण लाकर गलत मत कर देना, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रेमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। 63वें ग्रेमी पुरस्कारों का जो वितरण है वो लॉस एंजलिस में किया गया हाल ही में, 14 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के कौन सा करेक्ट होगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला है, मतलब बेस्ट फीमेल एक्टर, कंगना रनौत। और दूसरा स्टेटमेंट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत मलयालम फिल्म, कौन सी फिल्म? मलयालम फिल्म मरक्कर, ठीक है, अरेविक्का दालिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे स्टेटमेंट बनाकर भी पूछ सकता है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। ठीक है, ये मलयालम फिल्म है मरक्कर अरेविक्का दालिंते सिंघम, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मलयालम की, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, करेक्ट है। और कंगना रनौत को एक साथ दो मूवी के लिए दिया है बेस्ट अभिनेत्री का खिताब, राष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, नेशनल अवार्ड, ये भी सही है। तो करेक्ट हो गया इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कंगना रनौत को, ठीक है। कौन कौन सी फिल्में थी इनकी? एक थी पंगा, दूसरी थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, इन्हीं में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए इनको ये फिल्म पुरस्कार जो है मिला है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल एक्टर मिला इनको। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है जिन्हें दो फिल्मों के लिए किसी महिला को यह पुरस्कार दिया गया हो, नेशनल अवार्ड एक साथ। क्वेश्चन नंबर 11,
51 बता दें, सब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका उत्तर भी पता ही होगा आपको, न्यूज़ में था। ना इरफान खान है, ना ऋषि कपूर है, ना हर्ष मारीवाला है। इसका उत्तर है रजनीकांत। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके रचनात्मक योगदान के लिए मिला वर्ष 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और ये घोषणा की थी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 को कि इनको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को घोषित किया गया है 2022, 2023, 2024 या 2025 को? मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है वो किया गया है वर्ष 2023, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा लाए गए वे 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनिमत से संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 में स्वीकार किया गया। तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को याद रखना। एक दिवस है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ये तीनों डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी में विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, किसी में जल दिवस है, किसी में है विश्व क्षय दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। छः यानी तपेदिक यानी टीबी का उन्मूलन कब तक करना है भारत से? 2025 तक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है दस्तलिक अभ्यास है एक भारत में उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ और इस युद्ध का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था, बताइए कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि दस्तलिक अभ्यास किन किन देशों के बीच है, ठीक है। तो करेक्ट है भारत उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच है और इसका दूसरा भी संस्करण जो है वो हुआ है उज्बेकिस्तान में और इसका पहला हुआ है इसका जो दूसरा संस्करण है वो अभी हाल ही में हुआ उत्तराखंड में और इसका जो पहला हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ इसका? उत्तराखंड के रानीखेत में, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था, ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। तो देखिए दस्तलिक और ये हुआ है दस्तलिक टू, तो दस्तलिक टू अभ्यास जो है भारत में उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ 10 से 19 मार्च 2021 के बीच। इस श्रृंखला का जो पहला अभ्यास है वो नवंबर 2019 में हो गया था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो पहली बात तो दस्तलिक किस किस के बीच, कुछ भी आ सकता है प्रश्न, भारत संयुक्त अरब अमीरात, भारत इसराइल, भारत उज्बेकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, तो किसके बीच है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच। दो हो चुके हैं अभी तक, पहला कब हुआ 2019 में उज्बेकिस्तान में, दूसरा कब हुआ भारत में, भारत में कहाँ? उत्तराखंड में। थोड़ा और डीप चला जाए तो रानीखेत में, लेकिन उत्तर जाएगा नहीं, असिस्टेंट कमांडर जैसी परीक्षाओं में उत्तर डीप होता है, उत्तराखंड तक याद रखिए आप, भारत उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में दूसरी बार भाग लिया और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने भी भाग लिया। फोकस क्या हो रहा है यहाँ पर? डेजर्ट फ्लैग है कोई, ठीक है,
डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है, दूसरी बार नहीं। ठीक है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में जो आयोजित हुआ है ये डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, फर्स्ट टाइम। और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं ने भाग लिया। तो दूसरा वाला करेक्ट है। इस तरह से ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पहला एलिमिनेट कर दीजिए, केवल दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास में पहली बार भाग लिया है, दूसरी बार नहीं। गलत है पहला स्टेटमेंट। और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने भाग लिया। ठीक है, तो दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और डेजर्ट फ्लैग में भारत ने पहली बार भाग लिया, कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। तो करंट से रिलेटेड 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, समय का सदुपयोग करें, संक्रमण से बचे रहें।